नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में नहीं थम रहा है रफ्तार का कहर। अनियंत्रित ट्रक और स्कॉर्पियो के बीच हुई सीधी टक्कर, एक की मौत। विधानसभा चुनाव से पूर्व मुंगेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हवेली खड़गपुर में छापेमारी कर मिनीगन फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। भारी मात्रा में हथियार बरामद। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर 12 मिलिट्री फोर्स ने निकाला फ्लैग मार्च। एसएसपी ने कहा उपद्रव मचाने वालों की खैर नहीं। साइबर फ्रॉड गिरोह के सदस्य को भागलपुर पुलिस ने जमुई से किया गिरफ्तार। एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। और लोकल ट्रेन में जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं लोग। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। समाचार विस्तार से। पुलिस जिला नवगछिया में मकंदपुर चौक के समीप रविवार की अहले सुबह स्कॉर्पियो और ट्रक के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में बांका फुल्ली डुमर के कुमारपुर निवासी रामदेव चौधरी के पुत्र विनोद चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा घायल को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया में भर्ती कराया गया। परिस्थिति नाजुक होने के कारण डॉक्टरों ने उसे मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया है। वहीं घटना के बाद ट्रक चालक मौके से भागने में कामयाब रहा। मामले को लेकर मृतक के भाई जयंत चौधरी ने बताया कि विनोद कटिहार से भागलपुर आ रहा था। इसी दौरान मकंदपुर चौक के समीप हुई सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। जानकारी मिलते ही नवगछिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की तफ्तीश कर रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चलाई जा रही है। इसी को लेकर मुंगेर एसपी लिपि सिंह के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान पुलिस ने हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के मुडेरी गांव में चल रहे मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किया है। मामले को लेकर एसपी ने बताया कि मुंडेरी गांव में छापेमारी के दौरान 9 mm की एक कार्बाइन, 22 बोर की एक राइफल, एक रिवॉल्वर, 10 देसी कट्टा, 7.65 mm की एक पिस्टल, 3 अर्धनिर्मित राइफल, 4 अर्धनिर्मित कार्बाइन, कार्बाइन की 12 मैगजीन, एक अर्धनिर्मित देसी कट्टा, 2 अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद किया गया। इसके अलावा 3 बेस मशीन, 2 ड्रिल मशीन, एक छोटा बिल्डिंग मशीन एवं 3 हैंड मशीन भी बरामद किए गए हैं। इस दौरान पुलिस ने मौके से हथियार तस्करी के अंतर जिला और अंतर राज्य नेटवर्क को संचालित करने वाले सौरभ को भी धर दबोचा। साथ ही उसके भाई सुष्मित साव और पिता सुधीर साव की भी गिरफ्तारी की गई। एसपी ने कहा कि सौरभ का पूरा परिवार अवैध हथियार बनाने और उसे बिहार के दूसरे जिलों के अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी बेचता था। बता दें कि छापेमारी का नेतृत्व हवेली खड़गपुर एसडीपीओ संजय कुमार पांडे कर रहे थे। जिला सूचना छापेमारी दल में एसपी लिपि सिंह सहित खड़गपुर थाना अध्यक्ष मिंटू सिंह, गंगटा थाना अध्यक्ष मंजहर कबूल, संग्रामपुर थाना अध्यक्ष सर्वजीत कुमार, असरगंज थाना अध्यक्ष स्वयं प्रभा एवं तारापुर थाना अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार शामिल थे। छापेमारी के दौरान वहां से भारी मात्रा में निर्मित तथा अर्धनिर्मित हथियारों को बरामद किया गया है। यहां पर से एक कार्बाइन, एक .22 की राइफल, 10 315 बोर की देसी पिस्टल, एक 7.65 mm की पिस्टल, साथ में 4 अर्धनिर्मित कार्बाइन, 3 अर्धनिर्मित राइफल तथा एक देसी पिस्टल और एक देसी पिस्तौल के साथ साथ यहां पर 3 बेस मशीन, 3 हैंड बेस और 85,000 रुपये बरामद किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भागलपुर पुलिस पूरी तरह से सजग नजर आ रही है। रविवार को एसएसपी आशीष भारती के नेतृत्व में कोतवाली थाना परिसर से फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च शहर के ततारपुर, परंसल्ला चौक समेत विभिन्न चौक चौराहों से गुजरा और एसएसपी ने सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लिया। सीटीएसपी सुशांत कुमार सरोज समेत कई पुलिस अधिकारी एवं पारामिलिट्री के जवानों ने शहर का भ्रमण कर लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। इस दौरान दंगा नियंत्रण वाहन से निगरानी की जा रही थी, जबकि बाइक सवार अर्धसैनिक बल के जवानों की मौजूदगी शहरवासियों को सुरक्षा का एहसास करा रही थी। बता दें कि भागलपुर में 2 चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है और इसी को लेकर लगातार अपराधियों की धरपकड़ के साथ फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है। हमें विधानसभा चुनाव 2020 को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए भागलपुर पुलिस लगातार सभी कार्रवाई कर रही है और इसी क्रम में आज जिले के सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर, सभी मुख्य बाजार में फ्लैग मार्च का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भागलपुर पुलिस के सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मी
तथा जो CPMF हमें उपलब्ध हुआ है प्री पोल के लिए, उसको BSF के 8 कंपनी, उसके भी पुलिस पदाधिकारी और जवान इसमें शामिल है। भागलपुर जिला पुलिस की साइबर सेल ने साइबर फ्रॉड विशाल कुमार सिंह को जमुई के बिहारी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। बता दें कि 5 जुलाई को ततारपुर थाना क्षेत्र के मनीष चौधरी के खाता से फ्रॉड कर 41,000 रुपए दूसरे बैंक के खाते में ट्रांसफर कर लिया गया था, जिसको लेकर ततारपुर थाना में दर्ज FIR को लेकर साइबर सेल ने पैसे ट्रांसफर हुए कोटक महिंद्रा के खाते और फिर ICICI एवं HDFC के अकाउंट को फ्रीज करवाया। साइबर सेल लगातार मामले के खुलासे में लगी थी, जिसके बाद रविवार को आरोपी विशाल कुमार सिंह की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार युवक के पास से पुलिस ने 5 मोबाइल, 8 विभिन्न बैंकों के ATM कार्ड, 7 सिम, 3 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड और 1 कैनरा बैंक का पासबुक बरामद किया है। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार विशाल सिंह ने गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी दी, जिसके आधार पर पुलिस अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। 3 जुलाई 2020 को मनीष कुमार चौधरी, जो कि महेशी सुल्तानगंज के रहने वाले हैं और तत्कालीन वर्तमान में वो लालकोठी ततारपुर में रहते हैं, उनके SBI क्रेडिट कार्ड से करीब 42,000 रुपये की धोखाधड़ी मोबिक्विक गेटवे से कुछ साइबर अपराधियों के द्वारा कर ली गई थी। इस संदर्भ में ततारपुर थाना कांड संख्या 91/20 दर्ज किया गया था। उक्त सूचना पर आवश्यक कार्रवाई तथा जो अपराधियों की गिरफ्तारी और जो रुपये उनकी धोखाधड़ी हुई है उसकी बरामदगी के लिए साइबर सेल को निर्देशित किया गया था और इस मामले में तकनीकी अनुसंधान करते हुए एक व्यक्ति विशाल कुमार सिंह, जो कि नया टोला बिहारी थाना और जिला जमुई का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। कोरोना महामारी के कारण मार्च के अंतिम सप्ताह से देश भर में ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया था। अब वर्तमान स्थिति को देखते हुए रेलवे ने सशर्त कुछ ट्रेनों के परिचालन को शुरू किया है। साहेबगंज भागलपुर जमालपुर रेलखंड पर यात्रियों की सुविधा के लिए एक पैसेंजर ट्रेन चलाया गया, जिसमें यात्री भेड़ बकरी की तरह जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं, जबकि रेल प्रशासन ने बेकाबू भीड़ को देखते हुए बॉगी की संख्या भी बढ़ा दी। इसके बावजूद ना तो लोगों की भीड़ कम हो रही है और ना ही लापरवाही। बता दें कि NH-80 की बदहाल स्थिति के कारण लोगों को मजबूरन जान जोखिम में डालकर ट्रेन से यात्रा करना पड़ता है। कुछ दिन पूर्व पैसेंजर ट्रेन से दरवाजे पर खड़े होकर यात्रा कर रहे ताड़र निवासी 27 वर्षीय मदन ठाकुर की मौत ट्रेन से गिरकर हो गई थी, जबकि एकचारी के देवनारायण तांती भी ट्रेन से यात्रा के दौरान गिरकर घायल हो गए थे। लगातार हो रहे हादसों के बावजूद रेल प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। मतदाता की कोई भी बात 1950 1950, चाहे शिकायत या सुझाव 1950 1950, चुनाव के पहले चुनाव के बाद 1950 1950। मतदाता सूची में नाम जोड़े के प्रक्रिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बूथ के जानकारी, वोटर कार्ड कैसे बनी, ऐसा सारा सवाल के जवाब मिली 1950 पर। ये चुनाव बस एगो नंबर याद रखी, भारत निर्वाचन आयोग के टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950। अब कोनो मतदाता बिहार के कोनो कोना से कार्यालय अवधि में 1950 पर कॉल कर सकता। 1950 से अब मतदाता जानी अपन हक के जानकारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग,
ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क घंटाघर के उत्तर मोक्षदा स्कूल के समीप मशाकचक भागलपुर बिहार। भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां पड़ोसी ने देर रात घर में घुसकर एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़खानी की। बच्ची द्वारा विरोध करने पर परिजनों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित बच्ची के पिता ने गांव के ही दिनेश महतो के पुत्र शोहित कुमार पर गलत नियत से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए नाथनगर थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले को लेकर नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने बताया कि पीड़िता के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। भागलपुर पुलिस ने रविवार को 3 महीने से बिछड़े 2 बच्चियों को उनकी मां से मिलवाया। मामला जोक्सर थाना क्षेत्र का है, जहां कोलकाता कांडी से आई सुमना कपूर अपने बच्चों से मिलने के लिए व्याकुल थी, लेकिन उनके ससुराल वाले उन्हें घर में प्रवेश नहीं करने दे रहे थे, जिसके बाद महिला ने अपनी बच्ची को साथ ले जाने के लिए मौके पर ही हंगामा करना शुरू कर दिया। घटना की जानकारी जोक्सर थाना को मिलने के बाद महिला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों बच्चियों से पूछताछ किया और लिखित कागजात के साथ दोनों बच्चियों को उनकी मां को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि दोनों बच्चियां मां के साथ ही रहना चाहती थी। दरअसल महिला के पति का देहांत 12 जुलाई को हो गया था, जिसके बाद महिला बार बार पति के मौत के बाद बच्चों से मिलना चाह रही थी, लेकिन ससुराल वालों ने दोनों बच्चों को बुआ के घर पर छिपा कर रखा था। लगभग 4 महीने खोजबीन करने के बाद महिला भागलपुर पहुंची और अपनी बच्चियों को साथ ले जाने के लिए जोरदार हंगामा कर दिया। सुमना टोपो, मैं कलकत्ता में रहती हूँ, मेरा घर है रांची में, ससुराल है। मैं यहाँ पे मेरे बच्चे को लेने आई थी, मेरे बच्चे को लेने नहीं दे रही। मेरा अपना बच्चा है, मैं अपने माँ के घर लेके जा रही हूँ कलकत्ता। मैं यहाँ पे मेरे सास और ननद रहती है, यहाँ पे मेरे ननद जॉब करती है तो यहीं पे रहती है, तो बच्चा यहीं पे था। हम आए, आके मेरे बच्चे को ले जाना चाहती हूँ। मैं अब इन्फॉर्म करके नहीं आई, क्योंकि मैं पहले एड्रेस पूछी थी, मेरे को नहीं दिया एड्रेस, तो मैं लोकेशन ट्रैक करके आई हूँ। मेरे पति का नाम था अभिनव टोपो, उनका 12 जुलाई को डेथ हुआ। ससुर का नाम है अशोक टोपो, सास की नाम है रूबी टोपो, ननद का नाम है सिंगी टोपो, मेरा नाम है सुमना टोपो और मेरा बेटी का नाम है दृष्टि टोपो। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार के रूप में निवर्तमान एमएलसी डॉक्टर एनके यादव ने नामांकन के 6ठे दिन पर्चा दाखिल कर दिया है। अब तक 5 प्रत्याशियों ने कोसी स्नातक चुनाव को लेकर पर्चा भरा है। सभी उम्मीदवारों ने सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह उप निदेशक कल्याण गिरीज चंद्र पांडे के समक्ष 2-2 सेटों में पर्चा भरा। एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर एनके यादव के अलावा प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव राणा कुमार झा, किशनगंज के अधिवक्ता इंद्रदेव पासवान के साथ 2 अन्य प्रत्याशियों ने भी पर्चा दाखिल किया है। डॉक्टर एनके यादव ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि वो अपने 6 वर्षों के कार्यकाल में शिक्षकों और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्यरत रहे, जिस कारण एक बार फिर से जीत सुनिश्चित है। बता दें कि कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 14 जिले आते हैं, जिनमें पूर्णिया प्रमंडल के 4 जिले, कोसी प्रमंडल के 3 जिले, भागलपुर प्रमंडल के 2 जिले एवं मुंगेर प्रमंडल के 5 जिले शामिल हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर है। हालांकि सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिले भर में पुलिस प्रशासन की गतिविधि तेज हो गई है। चुनाव और पर्व त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जगह जगह पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जबकि मतदाताओं को डराने धमकाने वालों पर भी पुलिस की नजर है। भागलपुर SSP आशीष भारती ने जहां पुलिस लाइन में जिले के सभी थाना अध्यक्षों के साथ क्राइम मीटिंग कर विधि व्यवस्था की जानकारी ली, वहीं चुनाव के साथ चेहल्लूम और दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिया। SSP ने कहा कि 228 अपराधियों के खिलाफ CCA 13,000 के विरुद्ध 107 और 110 की कार्रवाई की गई है। वहीं कहलगांव में 70 लोगों के खिलाफ CCA प्रस्ताव दिया गया है, जबकि चुनाव को लेकर शस्त्र सत्यापन, अपराधियों की गिरफ्तारी एवं 107 की कार्रवाई जारी है। साथ ही 4107 लोगों पर धारा 107 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। इसके अलावा पुलिस जिला नवगछिया में SP स्वप्नाजी मेश्राम के निर्देश पर पूरे नवगछिया के सभी थाना अध्यक्षों ने क्षेत्र में गश्ती तेज करने के साथ अपराधियों की गिरफ्तारी भी तेज कर दी है। इलाके में चुनाव को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। नवगछिया का अधिकतर क्षेत्र दियारा है और इसको लेकर सभी मतदान केंद्रों पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती के साथ सभी सीमावर्ती क्षेत्रों पर चेकिंग अभियान चलाकर कड़ी नजर रखी जा रही है। SP स्वप्नाजी मेश्राम ने कहा कि चुनाव एवं विधि व्यवस्था को लेकर नवगछिया में 20 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इसके अलावा शराब और पैसे की आवाजाही पर पुलिस की पैनी नजर है और स्टेटिक सर्विलांस टीम, एडिशनल टीम एवं फ्लाइंग टीम भी सुरक्षा में लगी हुई है। साथ ही कहा कि सभी को कोरोना महामारी से संबंधित सरकार की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। वी केयर की ओर से भागलपुर के JLNMCH ब्लड बैंक में आयोजित 3 दिवसीय रक्तदान शिविर के अंतिम दिन कई युवाओं एवं रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। मायागंज अस्पताल रक्त अधिकोष में रक्त की कमी को देखते हुए संस्था की ओर से गांधी जयंती पर शिविर का शुभारंभ किया गया था, जिसका समापन रविवार को हो गया। संस्था के नितेश चौबे ने कहा कि कोरोना महामारी समेत कई कारणों से रक्त अधिकोष में रक्त की कमी हो गई है, जिसको पूरा करने के उद्देश्य से शिविर लगाकर रक्तदान किया गया है। साथ ही कहा कि रक्तदान जीवन दान है। शिविर में कुल 67 लोगों ने रक्तदान किया, जो किसी जरूरतमंदों के काम आएगा। मौके पर कुश मिश्रा, साक्षी, सोनल, यश, रिशांत समेत कई सदस्य मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिले में नहीं थम रहा है रफ्तार का कहर, अनियंत्रित ट्रक और स्कॉर्पियो के बीच हुई सीधी टक्कर, एक की मौत। विधानसभा चुनाव से पूर्व मुंगेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हवेली खड़गपुर में छापेमारी कर मिनीगन फैक्ट्री का किया पर्दाफाश, भारी मात्रा में हथियार बरामद। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर पैरामिलिट्री फोर्स ने निकाला फ्लैग मार्च, SSP ने कहा उपद्रव मचाने वालों की खैर नहीं। साइबर फ्रॉड गिरोह के सदस्य को भागलपुर पुलिस ने जमुई से किया गिरफ्तार, SSP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। और लोकल ट्रेन में जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं लोग, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।